नमस्ते दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान की शुरुआत आज से कर रही हूँ उपन्यास लंबा होने के कारण यह कई भागों में आएगा आज सुनेंगे इसका पहला भाग दोस्तों गोदान प्रेमचंद जी की सबसे सर्वोत्तम कृतियों में से एक है इसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था इस उपन्यास में आप भारतीय गांव, भारतीय गांव के समाज और उनके परिवेश का सजीव चित्रण देख सकते हैं तो आइए सुनते हैं पहला भाग मेरे यानी श्वेता की आवाज में होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना मैं न जाने कब तक लौटू जरा मेरी लाठी तो दे दे धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे उपले पात कर आई थी बोली अरे कुछ रस पानी तो कर लो ऐसे क्या जल्दी है होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा तुझे रस पानी की पड़ी है मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी स्नान पूजा कर लेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएंगे इसी से तो कहती हूं कुछ जलपान कर लो और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा अभी तो परसों गए थे तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख ये इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची है नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए गांव में इतने आदमी तो हैं किस पर बेदखली नहीं आई किस पर कुकड़ी नहीं आई जब दूसरे के पावों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पावों को सहलाने में ही कुशल है धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा उसकी खुशामद क्यों करें उसके तलवे क्यों सहलाएं यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन बीस वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितने ही कतर ब्योत करो कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री और पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था उसके छह संतानों में अब केवल तीन जिंदा हैं एक लड़का गोबर कोई सोलह साल का और दो लड़कियां सोना और रूपा बारह और आठ साल की तीन लड़के बचपन में ही मर गए उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते पर वह एक ढेले की दवा भी न मंगवा सकी थी उसकी उम्र ही क्या थी छत्तीसवा ही तो साल था पर सारे बाल पक गए थे चेहरे पर झूड़ियां पड़ गई थी सारी देह ढीली पड़ गई थी वह सुंदर गेहूं रंग सांवला हो गया और आंखों से भी कम सूझने लगा था पेट की चिंता के ही तो कारण कभी तो जीवन का सुख न मिला इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और दो चार घुड़कियां खा लेने से ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था उसने परास्त होकर होरी की लाठी मिर्जई जूते पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक उठा लाई ससुराल में भी तो कोई जवान साली सरहज नहीं है जिसे जाकर दिखाऊं? होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी धनिया ने लजाते हुए कहा ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सरहजे तुम्हें देखकर रीछ जाएंगी होरी ने फटी हुई मिर्जाई को बड़ी सावधानी से तय करके खाट पर रखते हुए कहा तो तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया अभी तो चालीस भी नहीं हुए मर्द साठे पर पाठे होते हैं जाकर शीशे में मुंह देखो तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते दूध घी अंजन लगाने को तो मिलता नहीं पाठे होंगे तुम्हारी दशा देखकर तुम्हें और भी सूख जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा किसके द्वार पर जाकर भीख मांगेंगे होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई लकड़ी को संभालता हुआ बोला साठे तक पहुँचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया इसके पहले ही चल देंगे धनिया ने तिरस्कार किया अच्छा अच्छा रहने दो असुब मुँह से निकालो तुमसे कोई अच्छी भी बात कहो तो लगते हो कोसने होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी उसके अंतकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहागी वह तृण था जिसे पकड़कर वह सागर को पार कर रही थी इन अनंत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहलाती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुबीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा देसी गायें तो दूध न दे न उनके बचवे ही किसी काम के हों बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चलेंगे नहीं वह पछाई गाय लेगा उसकी खूब सेवा करेगा कुछ नहीं तो चार पांच सिर दूध होगा गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है इस उम्र में न खाया पिया तो कब खाएगा साल भर भी तो दूध पी ले तो देखने के लायक हो जाए बचवे भी अच्छे बैल निकलेंगे दो सौ से कम की गोई ना होगी फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो फिर क्या कहना न जाने कब यह साध पूरी होगी न जाने कब वह शुभ दिन आएगा हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न सबसे बड़ी साध थी बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे हुए मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी मालिकों से मिलते जुलते रहने का यही तो प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं नहीं तो कौन उसे पूछता पांच बीघे के किसान की बिसात थी क्या यह कम आदर नहीं कि तीन तीन चार चार हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं अब वह खेतों की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी आस पास के गांवों की गौ में यहाँ चरने आया करती थीं उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और कुछ ठंडक थी होरी ने दो तीन सांसें जोर से ली, उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठा जाए दिन भर तो लू लपट में मरना ही है कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखने को तैयार थे अच्छी रकम देते थे पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाये जाए भाड़ में हमें रुपये मिलते हैं तो क्यों छोड़ें? पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते हैं जो मालिक प्रजा का पालन न करे वह भी कोई आदमी है सहसा उसने देखा भोला अपनी गाये लिए इस तरफ चला आ रहा है भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था होरी का मन उन गायों को देखकर ललच गया अगर भोला वह वा आगे वाली गाय उसे दे देता तो क्या कहना रुपये आगे पीछे देता रहेगा पर वह जानता था कि घर में रुपये नहीं है अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका है विशेषर साह का भी देना बाकी है जिस पर आने रुपये का सूद चढ़ रहा है लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वह निर्लजता जो तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती उसने उसे प्रोत्साहित किया बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया भोला के समीप जाकर वह बोला राम राम भोला भाई कहो क्या रंग ढंग है सुना आपकी मेले में नई गायें लाए हो भोला ने रुखाई से जवाब दिया होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी हाँ दो बछिये और दो गाय लाया पहले वाली गाय सब सूख गई थी ना बंधे पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो होरी ने आगे वाली गाय के पुठे पर हाथ रखकर कहा दुधार तो मालूम होती है कितने में ली भोला ने शान जमाई अब की बाजार बड़ा तेज रहा तो इसके अस्सी रुपये देने पड़े आंखें निकल गई तीस तीस रुपये तो दोनों कलोरों को दे दिए जिस पर ग्राहक रुपये का आठ सेर दूध मांगता है बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई लेकिन फिर भी लाए तो वह माल कि यहाँ दस पांच गांवों में तो किसी के पास न निकलेगी भोला पर नशा चढ़ने लगा बोला राय साहब इसके सौ रुपये देते थे दोनों कलोरों के पचास पचास रुपये, लेकिन हमने न दिए भगवान ने चाहा तो सौ रुपये इसी बयान में पीट लूंगा इसमें क्या संदेह है भाई मालिक क्या खाक लेंगे नजराने में मिल जाए तो भले ले लें यह तो तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपये तकदीर के भरोसे गिन देते हो यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहो धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौं की इतनी सेवा करते हो हमें तो गाय का गोबर भी मयसर नहीं गिरस्थ के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है साल के साल बीत जाते हैं गोरस के दर्शन नहीं होते घरवाली तो बार बार कहती है कि भोला भैया से क्यों नहीं कहते मैं कह देता हूँ कि कभी मिलेंगे तो कहूँगा तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है कहती है ऐसा मर्द कभी नहीं देखा कि जब बातें करेंगे आंखें नीची करके कभी सिर नहीं उठाते भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया बोला भला आदमी तो वही है जो दूसरों की बेटी को अपनी बहु बेटी समझे जो दुष्ट किसी की मेहरिया की ओर ताके उसे तो गोली मार देना चाहिए यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई बस सज्जन वही है जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे भोला जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है उसी तरह औरत के मर जाने से भी मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं मेरा तो घर उजाड़ हो गया मैं तो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं गत वर्ष भोला के स्त्री लू लगने से मर गई थी यह हो जानता था लेकिन पचास बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है यह वह न जानता था स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी होरी को आसन मिल गया उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई बोला पुरानी मसल झूठी थोड़ी ही है बिन घर ने घर भूत का डेरा कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते ताक में तो हूं मैं तो पर कोई जल्दी फंसता नहीं सौ पचास खर्च करने को भी तैयार हूं जैसे भगवान की इच्छा होरी अब मैं भी फिक्र में रहूंगा भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया घर में खाने को भगवान का दिया हुआ बहुत है चार पसेरी रोज दूध हो जाता है लेकिन किस काम का मेरे ससुराल में एक मेहरिया है तीन चार साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है बाल बच्चा भी कोई नहीं देखने सुनने में भी अच्छी है बस लक्ष्मी ही समझ लो भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया आशा में कितनी सुधा है बोला अब तो तुम्हारा ही आसरा है मैं तो छुट्टी हो तो चलो ना एक दिन आवे मैं ठीक ठाक करके तुमसे कहूंगा बहुत उतावली करने से काम बिगड़ जाता है बोला जब तुम्हारी इच्छा हो तब ले चलो उतावली का है कि इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो ना होरी रही गाय मेरे मान की नहीं है दादा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे बोला तुम तो ऐसी बातें करते हो, हो रही जैसे हम तुम दो हैं तुम गाय ले जाओ दाम जो चाहे देना जैसे मेरे घर रही वैसे ही तुम्हारे घर रही अस्सी रुपये में ली थी तुम अस्सी रुपये ही दे देना जाओ लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा समझ लो तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई होरी की छाती गज भर की हो गई अस्सी रुपये में गाय महंगी न थी ऐसा अच्छा डिल डॉल दो जून में छह सात शेर दूध सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूह ले इसका तो एक, -एक बाछा सौ सौ का होगा द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी उसे अभी कोई चार सौ रुपये देने थे लेकिन उधार को तो वह एक तरह से मुफ्त समझता था कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो साल दो साल तक तो वह बोलेगा भी नहीं सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है यही तो होगा कि भोला बार बार तगादा करने आएगा बिगड़ेगा और गालियां देगा लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी इस व्यवहार का वह आदि था कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था अभी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था पर यह छल उसकी नीति में छल न था यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था घर में दो चार रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता कि एक पाई भी नहीं है सन को कुछ गीला कर देना और रूई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था और यहां तो केवल स्वार्थ न था थोड़ा सा मनोरंजन भी था बुढों का बुढ़भस हास्यपद वस्तु है और ऐसे बुड्ढों से कुछ ऐठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा ले जाओ मा तो तुम भी याद रखोगे ब्याहते ही छह से दूध ले लेना चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे अब मैं तुमसे सच कहता हूँ मालिक नब्बे रुपये देते थे पर उनके यहाँ गौं की क्या क़दर मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्म को दे देते हाकिमों को गौों की सेवा से क्या मतलब वह तो खून चूसना भर जानते हैं जब तक दूध देती रख लेते फिर किसी के हाथ बेच देते किसके पल्ले पड़ती कौन जाने रुपया ही तो सब कुछ नहीं है भैया अपना कुछ धर्म भी तो है तुम्हारे घर आराम से तो रहेगी या न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गौ भूखी खड़ी रहे उसकी सेवा करोगे पुचकारोगे तो गौ भी हमें आशीर्वाद देगी तुमसे क्या कहूँ भैया घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा सब रुपये बाजार में निकल गए सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका उसने इनकार कर दिया इतने जानवरों को क्या खिलावें यही चिंता मारे डालती है चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्चा है भगवान ही बेड़ा पार लगाए तो लगे होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया भोला ने माथा ठोक कर कहा इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख जाकर कहाँ रो बांटता तो कोई नहीं हंसते सब हैं जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा लेकिन अब यह तो रातिब के बिना नहीं रह सकती ना हो सके तो दस बीस रुपए भूसे के लिए दे दो किसान पक्का स्वार्थी होता है इसमें संदेह नहीं उसकी गाठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं भावताव में भी वह चौकस होता है ब्याज की एक पाई चुकाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के लिए स्थायी सहयोग है वृक्षों में फल लगते हैं उन्हें जनता खाती है खेती में अनाज होता है वह संसार के काम आता है गाय के थन में दूध होता है वह खुद पीने नहीं जाती दूसरे ही उसे पीते हैं मेघों से वर्षा होती है उससे पृथ्वी तृप्त होती है ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए स्थान कहाँ होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला रुपया तो दादा मेरे पास नहीं है हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है वह तुम्हें दे दूंगा चलकर उठवा लो भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं ले लूंगा मेरे हाथ न कट जाएंगे भोला ने आर्द्र कंठ से कहा तुम्हारे बैल भूखो न मरेंगे तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है होरी नहीं दादा अब की भूसा अच्छा हो गया था भोला मैंने के भूसे की चर्चा कर दी हो रही तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करे तो काम कैसे चले मुदाया गाय तो लेते जाओ अभी नहीं दादा फिर कभी ले लूंगा तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना होरी ने दुखित स्वर में कहा दाम कौड़ी की इसमें कौन सी बात है दादा मैं एक दो जून तुम्हारे घर में खा लूंगा तो तुम मुझसे दाम मांगोगे भोला लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं हो रही भगवान कोई ना कोई सलीब निकालेंगे ही आसार सिर पर है कड़बी बोलूंगा भोला मगर यह गाय तुम्हारी हो गई जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना हो रही किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है बल्कि इसका कुछ और आशय है लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता वही दशा होरी की थी संकट की चीज लेना पाप है यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी भोला ने गदगद कंठ से कहा तो किसी को भेज दो भूसे के लिए होरी ने जवाब दिया अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूं वहां से घड़ी भर में लौटूंगा तब किसी को भेज देना भोला की आंखों में आंसू भर आए बोला तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई अब मुझे मालूम हुआ कि संसार में मैं अकेला नहीं हूं मेरा भी कोई हेतु है एक क्षण के बाद उसने फिर कहा लेकिन उस बात को भूल न जाना होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी क्या हुआ दस पांच मन भूसा चला जाएगा बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब अपनी गाय खोल लाऊंगा भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए फिर तो बात ही नहीं उसने पीछे फिर कर देखा कबरी गाय पूछ से मक्खियाँ उड़ाती सिर हिलाती मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी जैसे बांदियों के बीच कोई रानी हो कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह काम देनु उसके द्वार पर बंधेगी सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं होरी बेलारी में रहता है राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में दोनों गांवों के बीच पांच मील का अंतर है पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था काउंसिल की मेम्बरी छोड़कर जेल चले गए तब से उनके इलाके के आसामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी या नहीं कि उनके इलाके में आसामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो मगर यह सारी बदनामी मुस्तखारों के सिर जाती थी राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लगा सकता था वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे ब्ते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसे ही होगा राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था आसामियों से वह हंस कर बोलते थे यही क्या कम है सिंह का काम तो शिकार करना है अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता शिकार की खोज में जंगल जंगल न भटकना पड़ता राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुकाम से मेल जोल बनाए रखते थे उनकी नज़रें और डालियाँ और कर्मचारियों की दस्तूरियाँ जैसी कि तैसी चली आती थीं साहित्य और संगीत के प्रेमी थे ड्रामा के शौकीन अच्छे वक्ता थे अच्छे लेखक अच्छे निशानेबाज उनकी पत्नी को मरे आज दस साल हो चुके थे मगर दूसरी शादी न की थी हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे होरी रही ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों की तैयारियां हो रही हैं कहीं रंगमंच बन रहा है कहीं मंडप कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें धूप तेज हो गई थी पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था इस अवसर पर उनके यार दोस्त हाकिम हुक्काम सभी निमंत्रित होते थे और दो तीन दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी राय साहब का परिवार बहुत विशाल था कोई डेढ़ सौ सरदार एक साथ भोजन करते थे कई चचा थे दर्जनों चचेरे भाई कई सगे भाई बीसियों नाते के भाई एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में ही रहते थे भक्ति रस के कितने ही कविता उन्होंने रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्तों को भेंट कर देते थे एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे रियासत से सबके वसीके बंधे हुए थे किसी को कोई काम करने की जरूरत न थी होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले अरे तू आ गया होरी मैं तो तुझे बुलाने ही वाला था देख अब तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा समझ गया ना जिस वक्त जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा गलती ना करना और देख आसामियों से ताकीद करके कह देना कि सब के सब शगुन करने आए मेरे साथ कोठरी में आ तुझसे कुछ बातें करनी है वह आगे आगे कोठरी की ओर चले होरी पीछे पीछे चला वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर वह बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके वह बोले समझ गया मैंने क्या कहा कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही लेकिन आसामी जितने मन से आसामी की बात सुनता है कारकुन की नहीं सुनता हमें इन्हीं पांच सात दिनों में बीस हजार का प्रबंध करना है कैसे होगा समझ में नहीं आता तुम सोचते होगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे किससे कहूं अपने मन की बात न जाने क्यों तुम पर विश्वास होता है इतना जानता हूं कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी में बर्दाश्त कर लूंगा नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या व्यंग और जलन है और वे क्यों ना हंसेंगे मैं भी तो उनकी दुर्दशा विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ दिल खोलकर तालियां बजाता हूँ संपत्ति और सहदयता में बैर है हम भी दान देते हैं धर्म करते हैं लेकिन जानते हो क्यों केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है विशुद्ध अहंकार में से किसी पर डिग्री हो जाए कुर्की आ जाए बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालत हो जाए किसी का जवान बेटा मर जाए किसी की विधवा बहु निकल जाए किसी के घर में आग लग जाए कोई किसी वैश्य के हाथों उल्लू बन जाए या अपने आसामियों के हाथों पिट जाए तो उसके और उसके सभी भाई उस पर हंसेंगे बगले बजाएंगे मानो सारे संसार की संपदा मिल गई और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं अरे और तो और हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं शराबे पी रहे हैं और अयाशी कर रहे हैं वह भी मुझसे जलते हैं मैं आज मर भी जाऊं ना तो वे घी के चिराग जलाएंगे मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं उनकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ पड़ता है अगर ब्याह कर लूँ तो वह मेरी विलासान्धता होगी अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है शराब पीने लगूँ तो वह प्रजा का रक्त होगा अगर अयाशी नहीं करता तो अरसिक हूँ अयाशी करने लगूँ तो फिर कहना ही क्या इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चाले नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं उनकी तो यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें और मेरा यह धर्म है कि मैं सब कुछ देख कर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दो बीड़े पान खाए और होरी के मुँह की ओर ताकने लगे जैसे उसके मनोभावों को पढ़ना चाहते हो होरी ने साहस बटोर कर कहा हम समझते थे कि ऐसे बातें हम ही लोगों में होती हैं पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है राय साहब ने मुंह पान से भर कर कहा तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे गरीबों में अगर ईर्ष्या है या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं क्षम्य समझता हूँ हमारे मुँह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में अंगुली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है अगर हम छोड़ दें तो देवता है बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरे के रोने पर हंसी आती है इसे तुम छोटी साधना मत समझो जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं वह बड़ा आदमी ही क्या जैसे कोई छोटा रोग हो मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है मामूली फुंसी भी निकल आए तो वह जहर बाद बन जाती है अब छोटे सर्जन मंझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है भिष्गाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली पर विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है वैद्य और डॉक्टर इस ताक में हैं कि कब सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो और ये रुपये तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भाले की नोक पर मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दवानल हमें भस्म नहीं कर डालता मगर नहीं आश्चर्य करने की कोई बात नहीं भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है हम जौ जौ और अंगुल अंगुल और पोर पोर भस्म हो रहे हैं उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की हुक्काम की अदालत की वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं दुनिया समझती है कि हम बड़े सुखी हैं हमारे पास इलाके महल सांवरिया नौकर चाकर करज व्यवसाय क्या नहीं है लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं अभिमान नहीं वह और चाहे कुछ भी हो आदमी नहीं है जैसे दुश्मन के भय के मारे रात में नींद ना आती हो जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई न हो जिसकी चोटी दूसरे के पैरों के नीचे दबी हो जो भोग-विलास के नशे में अपने आप को भूल गया हो जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो उसे मैं सुखी नहीं कह सकता वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है साहब शिकार खेलने आए हो या दौरे पर मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं उनकी भावों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते वह पचड़ा तुम्हें सुनाने लगू तो शायद तुम्हें विश्वास न आए डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है हम सजदे करने को भी तैयार रहते हैं मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है हमें अपने पुरुषार्थ पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिला कर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपने प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है पिछलगुओं लघुओं के खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हमें शील विनय और सेवा का लोप हो गया है मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो यह हमारे ऊपर उपकार होगा पर अब तो यह निश्चय है कि सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी हमसे अब उनका कोई स्वार्थ नहीं निकलता लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है मैं उस दिन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ ईश्वर करे वह दिन जल्दी आए वह हमारे उद्धार का दिन होगा हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी जब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है राय साहब ने फिर गिलौरी दाना निकाला और कई गिलोरियां निकालकर मुंह में भर ली कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए राय साहब के माथे पर बल पड़ गए आंखें निकाल कर बोले चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूं जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है और इस मजूरी पर उन्हें काम करना होगा सीधे करें या टेढ़े फिर होरी की ओर देख कर बोले अब तुम जाओ होरी अपनी तैयारी करो जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 सौ की आशा है राय साहब झल्लाते हुए चले गए होरी ने मन में सोचा अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए सूर्य सिर पर आ गया था उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना प्रसार समेट लिया था आकाश पर मटियाला गर्द छाया हुआ था और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला शगुन के रुपया कहां से आएंगे यही चिंता उसके सिर पर सवार थी शेष कहानी अगले भाग में कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद